डॉक्टर, नंबर टू इज इंजीनियर, नंबर थ्री इज पुलिसमैन, नंबर फोर इज लॉयर एंड नंबर फाइव इज सोशल वर्कर। इस जिहाद को तबाह होना ही होना है। आपके पास तीन पैराशूट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस जहाज के पायलट हैं। इस जहाज ने तबाह होना ही है। आपके पास तीन पैराशूट हैं। आपने इन पांच लोगों में से किसी तीन को पैराशूट दे दिया, यानी इसके अलावा इस सवाल में और कुछ नहीं है कि ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि आप पायलट हो, तीन पैराशूट हो, लोग पांच हो, आप किन तीनों को पैराशूट देना पसंद करेंगे। गूगल स्टार्ट पर, ये तो पास फेल नहीं है और सही गलत का मामला भी नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज बताएं। सबसे पहले आप डॉक्टर को देंगे पैराशूट, और नंबर टू पुलिसमैन को, नंबर थ्री सोशल वर्कर को। यानी आप लॉयर को नहीं देना चाह रहे और इंजीनियर को नहीं देना चाह रहे, ऐसे। अच्छा, अगर इंजीनियर को नहीं बचाएंगे तो ये जो आज आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इवन जो हमने कपड़े पहने हुए, जिस टेक्सटाइल से आए, इंजीनियर चलाते हैं। इंजीनियर अगर नहीं होंगे दुनिया में तो आप पत्थर के जमाने में चले गए। ये जो लाइफ के कंफर्ट्स हैं, जितनी भी आपकी लाइफ इजी हुई है, ये किसकी वजह से है? इंजीनियर्स की वजह से। अगर ये नहीं होते तो शायद आप इतनी कंफर्ट लाइफ में गुजार रहे थे। और अगर आप लॉयर को नहीं बचाना चाहेंगे तो हु विल टेल द जस्टिस कि ही इज एट राइट और ही इज एट रॉन्ग? जज को बताने के लिए कि कानून की रोशनी में कौन हक पर है, या आपकी जायदाद के मैटर्स हैं, इन तमाम चीजों को रिजोल्व कौन करता है? लॉयर, कि आपको कानून एक्सप्लेन करके बताता है। तो इसका मतलब है इन दोनों की जरूरत तो है। कोई और अपनी प्रायोरिटी बताइए प्लीज। इन्होंने गलत नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने माइंड के मुताबिक उस बात को बताया। एनीबॉडी एल्स? बेसिकली इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन आपने अपने तीन बताने। और ये क्वेश्चन क्यों किया ये भी मैं आपको बताने लगा हूं। जी नहीं, वैसे आप अपनी प्रायोरिटी बता दीजिए, आप बता दीजिए प्लीज। जी आवाज आ गई। अच्छा, डॉक्टर तो हो गया, और इंजीनियर, सोशल वर्कर। आपने लॉयर को नहीं बचाया, पुलिसमैन को। चलिए लॉयर पर हम बात कर चुके, पुलिसमैन को नहीं बचाएंगे। पुलिस जागती है तो आप स्कूल की नींद सोते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल से बचाना, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एहसास नहीं होगा तो आप तो ना कुछ तरक्की कर सकेंगे ना कुछ। तो इसका मतलब है पुलिसमैन भी जरूरी है। कोई और बता दीजिए, और फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं इसकी। आप बता दीजिए प्लीज, आप प्लीज। सोशल वर्कर, पहले नंबर के सोशल वर्कर को बचाया आपने, नंबर टू लॉयर को, डॉक्टर को। आपने इंजीनियर और पुलिसमैन को नहीं बचाया, इन पे हम बात कर चुके। चले जी जी, हाँ मैं आप उसी तरफ लाने लगा हूं आपको। देखिये, जिन लोगों ने डॉक्टर को बचाया, इनके नजदीक सेहत फर्स्ट प्रायोरिटी है। उर्दू में एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस हम कहते हैं कि जान है तो जहान है। If you are healthy, you can do everything. सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो उनके नजदीक सेहत प्रायोरिटी है। जिन्होंने इंजीनियर को बचाया, उनके नजदीक मटेरियलिस्टिक जो प्रोग्रेस है, मादी तरक्की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिन लोगों ने पुलिस को बचाया, उनके मुतालिक ये है कि अगर सेफ एंड सिक्योर होंगे तो सब कुछ मुमकिन है। डर और फॉग के अंदर रहते हुए आप ना तरक्की कर सकते हैं और ना कोई इनोवेशन कर सकते हैं। जिन लोगों ने लॉयर को बचाया, वो इस बात पर यकीन रखते हैं जिसको इमरान खान की अपनी तकरीरों में कहते हैं कि जुल्म का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। तो इसका मतलब है कि उनके नजदीक इंसाफ अगर होगा, सबको अपनी जगह पे अपना हक मिलेगा, तो माशरा बहुत पुरमन रहेगा। जिन्होंने सोशल वर्कर को बचाया, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट एनिमल्स। जब हम जिंदा हैं तो हम अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते, हमारे साथ बहुत से लोग अटैच हैं, फीलिंग्स हैं, खुशी गमी है, एक दूसरे की सपोर्ट है, और ये तभी मुमकिन है जब आप सोशल वर्क करेंगे। हम एक सेंटेंस कहते हैं कि मैन इज कॉल्ड सोशल एनिमल। एक लम्हे के लिए वर्ड सोशल हटा दें, एनिमल क्या, क्योंकि हमारी भी है,
उनके कान रात होते, हमारे भी गर्मी सर्दी उनको भी लगती है, उनके भी मतलब बच्चे होते हैं इंसानों के, मतलब कि क्या फर्क है सोशल होना। अब अब्दुल सारिदी का जिक्र पाकिस्तान से निकाल दें, पाकिस्तान की तारीख या इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं मिल पाता। सोशल वर्कर, टीचर भी सोशल वर्कर है, पॉलिटिशियन भी सोशल वर्कर है, इमाम मस्जिद भी, हर वो आदमी जो लोगों को हेल्प करने में कोऑर्डिनेट करता है, फैसिलिटेट करवाता है, वो सोशल वर्कर है। अच्छा, ये है लाइफ की प्रायोरिटीज। अगर मैं आपसे डायरेक्ट आपकी प्रायोरिटीज पूछता तो शायद आप एक्सप्लेन ना कर पाते कि किसकी क्या क्या प्रायोरिटी है। हमने इसको रंग दिया एक कहानी का, आपका इंटरेस्ट उसमें शामिल हो गया और आपने लाशौरी तौर पर अपने इंटरेस्ट बता दिए कि किसके लाइफ में क्या इंटरेस्ट है। इसी तरह से जब आप किसी एक्टिविटी के साथ अपनी टीचिंग को कनेक्ट करते हैं, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज कल्टिवेटेड। एक और छोटी सी एक्टिविटी, मुझे बताइए कि अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे? 26 में से 5 क्या है? वॉवल्स हैं। एंड रेस्ट ऑफ द 21 कंसोनेंट। कभी हमने गौर किया कि कंसोनेंट क्यों कहते हैं इनको? नहीं ना यार, नाम को बताया। कंसोनेंट क्यों कहते हैं कि जो वॉवल्स हैं वो अगर हम उर्दू में इसको समझे तो अलग की आवाज देंगे, और जो बाकी लेटर्स हैं 21 ये जैसे होंगे अपनी वैसी ही साउंड देंगे। अच्छा, इन 26 में से कोई एक ऐसा लेटर विच इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, वन लेटर एंड द नेम ऑफ एन एनिमल, वन लेटर बट कंप्लीट नेम ऑफ एन एनिमल, बी शहद की मक्खी को, वन लेटर विच इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आई, करेक्ट, एंड विच लेटर इज अ नेम ऑफ अ वेजिटेबल, P, exactly. And which letter is a sort of a drink? T. And which letter is a complete question? Y. And which letter is a tool? X. X. Wonderful. And which letter is a two-third of the world? Two-third of the world. One letter. C. अच्छा, दिस एक्टिविटी इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। वेन एवर यू कम टू योर क्लास यू डायरेक्टली कम एंड राइट द टॉपिक एंड स्टार्ट टीचिंग, इफेक्टिव नहीं होगा। एवरी टॉपिक, एवरी लेसन नीड्स अ प्रेपरेशन। किनको पढ़ाने जा रहे हैं, मेंटल लेवल क्या है, उसके साथ आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है, आइस ब्रेकिंग कैसे करनी है। ये मैंने छोटा सा आपको टॉपिक बताया। द लास्ट वर्ड वॉज सी। Sometimes it sounds this one and sometimes this sounds this one, and the students have the confusion like success. ये काफ की आवाज दे रहे हैं, ये सीन की, ये क्या बात हुई? डबल सी है, एक की आवाज और है, एक की और है, एक्सेप्ट उसमें भी ऐसी है। यू विल एक्सप्लेन कि भाई जब कभी भी सी के बाद ई आई एंड वाई आएंगे तो ये सीन की आवाज देगा वरना काफ की देगा। जैसे सेंचुरी, सेंटीमीटर, सेंटर, ऐसे क्या बनेगा? सिटी, साइट, हवाला देना सी आएगी, साइकिल, साइक्लोन, साइलेंडर, ओके। अब दिस एक्टिविटी व्हेन यू अटैच विथ योर लेसन, सो उनका माइंड, यानी ये आपने क्या किया कि आप नोन से अननोन की तरफ लेकर गए। तो जो आपके वो बच्चे जो मीडियोकर होते हैं या बैक बेंचर होते हैं, जब आप नोन से अनोन की तरफ जाएंगे, दे विल स्टार्ट सेइंग हाँ मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, एंड ग्रेजुअली यू विल कल्टीवेट देयर इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक टीचर के पास देयर आर मोर देन 50 आइस ब्रेकर्स एंड एक्टिविटीज। रोजाना वो अपने लेक्चर को प्लान कर ले कि बिफोर गोइंग टू द क्लास, बिफोर टीचिंग दिस लेसन, आई वुड इंट्रोड्यूस दिस एक्टिविटी, एंड दे वुड ऑलवेज वेट फॉर कि टीचर ने आज हमें एक और नई चीज करवाई। तो आई वुड शेयर विद यू सर अ बुक ऑफ 500 आइस ब्रेकर्स एंड एक्टिविटीज। 500 मीन 365 डेज होते हैं, वन ईयर। आप रोज की भी एक करवाएं तब भी आपके पास बच जाएंगी,
और वो सबके साथ हम सर्कुलेट कर लेंगे कि आपने मैथ्स पढ़ानी है उसके मुताबिक है, साइंस पढ़ानी है उसके मुताबिक है, इंग्लिश व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू वांट टू टीच, एक्टिविटी उसके साथ अटैच हो जाएगी। वन सेकेंडली जो आपका टीचिंग मेथडोलॉजी है, 40 मिनट का अगर आपका लेक्चर है फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी डिवाइडेड हाउ, यू शुड मेक अ प्लान हाउ मच टाइम टीचर टू स्टूडेंट, हाउ मच टाइम स्टूडेंट टू टीचर एंड हाउ मच टाइम स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्कशन। अनफॉर्चुनेटली वॉट हैपन्स इन आवर क्लासेस, मोस्ट ऑफ द टाइम द टीचर इज प्रिवेलिंग एंड डोमिनेंट एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव, टीचर ही एक्टिव ऑल द टाइम, क्वेश्चनिंग नहीं हो पाती, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि किसने अंडरस्टैंड किया और किसने नहीं किया। और जैसा कि हमारा ये यकीन है कि हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि ये कबूलियत वाली थी या हम कहीं और पहुंचे हुए थे, सेम इज द केस विद योर टीचिंग, कि अगर आपका लेक्चर इफेक्टिव लेक्चर है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने इसको जस्टिफाई किया है। अदरवाइज ये सोचिए कि अगर मैं स्टूडेंट की जगह पर हूँ, इस तरह का लेक्चर मुझे कोई पढ़ाता तो क्या मुझे ये समझ आता? अगर हाँ मैं कहूँ कि मेरे लिए बहुत मजे का होता तो इस मीन आपकी क्लास को भी समझ में आया, अगर आपको लगे कि जस्ट आपने लेक्चर अपना पूरा किया है तो इट मीन्स फिर कार्यवाही पूरी हमने की है, फिर हम अगली क्लास में जाते, इस तरह से आप अपनी टीचिंग को इंजॉय नहीं करते। अब इसमें हमें करना क्या है, दिस इज नॉट अ टीचिंग और ट्रेनिंग टाइप, दिस आर शेयरिंग एक्सपीरियंस है। आप इसमें इसको यूं देखें कि लर्न अप्लाई एंड मल्टीप्लाई, वॉट एवर यू लर्न यू शुड अप्लाई ऑन योर सेल्फ एंड देन यू शुड ट्राई टू मल्टीप्लाई विद अदर पीपल, क्योंकि इसके बारे में ये कहते हैं कि ये देने से बढ़ता है, बाकी तमाम चीजें शायद कम होती हो, ये देने से बढ़ता है। और एक और चीज शेयरिंग के हवाले से सुन लीजिए और आप इसके एग्री भी करेंगे, शेयरिंग से कितना फर्क पड़ता है, अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव वन रुपी एंड यू हैव वन रुपी, वी एक्सचेंज, यू हैव वन आई हैव वन, बट इफ यू हैव गुड आइडिया आई हैव गुड आइडिया, वी एक्सचेंज, यू हैव टू गुड आइडियाज आई हैव टू गुड आइडियाज, वेन एवर यू एक्सचेंज आइडियाज दे आर मल्टीप्लाइड एंड अ टीचर शुड ऑलवेज शेयर। हमें से कितने ऐसे टीचर हैं उनकी क्लास के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो खुद ही उसको फेस कर रहे हैं, वेरी रेयर केसेस शी कंसल्ट्स विद सम सीनियर, आई एम फेसिंग दिस डिफिकल्टी, हाउ वुड यू सजेस्ट मी टू टैकल दिस वन, पर जब तक आप पूछेंगे नहीं तो कोई आपको बताएगा। एक और जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए वो है टीचर्स की कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन के बारे में भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, आपकी कम्युनिकेशन तीन चीजों के ऊपर बेस करती है। नंबर वन है आपके वर्ड्स, नंबर टू है आपकी वॉइस, नंबर थ्री है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब इसका फर्क देखिएगा, वर्ड्स का रोल है जस्ट 8%, योर वॉइस का रोल है 37%, ये रिसर्च है, और योर बॉडी लैंग्वेज प्लेज द रोल 55%, तब जाके आपकी 100% कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है व्हेन यू टॉक टू योर स्टूडेंट्स। इसके एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल सुने, वर्ड्स का 8% रोल क्या, मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूं, आई एम हैप्पी, ये है मेरे वर्ड्स, अब मैं इसमें शामिल करूंगा वॉइस, आई एम हैप्पी, ये क्या है मेरी वॉइस, अब मैं इसमें ये शामिल करूंगा आई एम हैप्पी। इफ इन लास्ट मैसेज आई डोंट स्पीक, I don't use words and I just say, you people would understand the person is excited. So it means body language matters a lot. You got it? अच्छा, अब इसकी भी आगे एक छोटी सी explanation है, वो क्या है, words का role 8% कैसे है, words matter करते हैं, words से सुनिएगा, प्रीटी खूबसूरत, ग्रेसफुल खूबसूरत, गॉर्जियस खूबसूरत, लवली खूबसूरत, हैंडसम खूबसूरत, अट्रैक्टिव खूबसूरत, फर्क क्या है, यही तो मैंने रुका हुआ फर्स्ट वाला वर्ड। प्रीति कहते हैं जिसके चेहरे की खूबसूरती आपने बयान कर ली,
ही इज प्रीटी शी इज प्रीटी प्रीटी जैटा की बात नहीं कर रहे। ओके लवली किसको कहते हैं, बल्कि चार्मिंग का भी एक वर्ड था, चार्मिंग उसको कहते हैं जो फर्स्ट साइट में आपको कोई चीज भा जाए, आपकी आंखों को अच्छी लगे, दीदा सेम जिसको हम कहते हैं। लवली जिसको कहते हैं कि दिखने में भी खूबसूरत और उसकी सीरत या उसका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत आइडियल किस्म का। गॉर्जियस कहते हैं शोक और चंचल जो उसके अंदर शामिल होगी, उसके लिए हम गॉर्जियस का वर्ड यूज करेंगे। हैंडसम लिखते हैंडसम है, पढ़ते हैंडसम है, डी साइलेंट है। हैंडसम उस ब्यूटी को कहते हैं जो आप एक्वायर करते हैं योगा करके, एक्सरसाइज करके या कोई कॉस्मेटिक यूज करके। ग्रेसफुल कहते हैं जिसका उठना बैठना चलना फिरना जो पहने जो अंदाज अपने उसको जचे। अब इतने सारे वर्ड्स इकट्ठे करो तब ब्यूटीफुल बनता है। हम हर चीज को ब्यूटीफुल कहना शुरू कर देते हैं बिकॉज वी आर लैकिंग द वर्ड्स। यही कम्युनिकेशन का गैप है। सही क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाते, बहुत सी बातें आपके माइंड में होती हैं, आपके पास आपसे मुराद स्टूडेंट्स के पास भी रेलेवेंट वर्ड्स नहीं है कि उसको एक्सप्लेन कैसे करें। अब ये सब वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट है ना, इसी तरह एक वर्ड इसके साथ मिलता जुलता हो गया। बीट मारना, किल मारना, मर्डर मारना, स्ले मारना, स्टैब मारना, असैसिनेट मारना। फर्क क्या है? बीट किसी को ऐसे मारना कि उसको चोट महसूस हो, पनिश मारना किसी वॉयलेंस वॉयलेशन की सूरत में किसी को मारना वो पनिश कहलाएगा। किल का मतलब है किसी भी जानदार चीज की जान ले लेना। मर्डर का मतलब है क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को मारना। स्टैब का मतलब है किसी को छुरा घोंप कर मारना। स्ले का मतलब है सर कलम करके मारना। असैसिनेट का मतलब है किसी को साजिश के तहत मारना। अब जब आपको किसी मारने के वर्ड को एक्सप्लेन करना है, यूज करना है कहीं, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो आप रेलेवेंट वर्ड यूज करेंगे, और अगर नहीं होगा तो आप या चुप रहेंगे या कोई इररेलेवेंट या कोई गलत वर्ड यूज करेंगे। तो वर्ड का ये रोल है। अब आ जाए वॉइस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इनको क्लास में कोई पोजिशन मिल जाए तो मैं कहता हूँ कंग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू फर्स्ट इन द क्लास, मे अल्लाह ब्लेस यू विद मोर सक्सेस। अच्छा ऑन द अदर हैंड इनका मोबाइल गुम हो गया, यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल, आई एम वेरी हैप्पी ओवर दैट। अब जिनको कामयाबी मिली उनको मैं कामयाबी ऐसे दे रहा हूँ जैसे उनके साथ ताजियत कर रहा हूँ खुदा ने खासा, और जिनका मोबाइल गुम हुआ है उनके साथ अफसोस करने की वजह मैसेज ऐसे पूरी बड़ी खुशी है अगर सबके मोबाइल गुम हो जाए। अब क्या है, ये मैटर करती है आपकी वॉइस। सेंटेंस दोनों में गलत नहीं थे बट द वे यू डिलीवर्ड, द वे यू टॉक, आपकी वॉइस बहुत मैटर करती है बीइंग टीचर। बच्चे आपसे कितने इन्फ्लुएंस होते हैं इसका अंदाजा लगाएं कि माँ ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, फीड करके यूनिफॉर्म देके स्कूल भेज दिया, दो दिन आपसे पढ़ा, घर जाके मदर को कहेगा नहीं आप गलत कह रही, मेरी टीचर ठीक कह रही है, भले टीचर ने गलत ही करवाया हो। तो क्या हो गया ऐसा दो दिन में आपसे वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो मदर के सारे प्यार मोहब्बत को भूल गया। मदर कहेंगी ना ये कलर मैच नहीं, मेरी टीचर ने कहा था ये है, पता नहीं ऐसे आपने देखा होगा क्यों आपसे। और वो कितना आपको ऑब्जर्व करता है, कभी आप प्रोग्राम्स वगैरह करवाएं तो बच्चे आपकी आपसे मुराद टीचर्स की पैरोडी कितनी अच्छी करते हैं, बिल्कुल किस तरह टीचर आए चल के उसने गुस्से से कैसे एक बुक और पढ़ाना कैसे शुरू कर दिया। तो कहां से किसने सिखा दिया उसको ये, उसकी ऑब्जर्वेशन, आपकी कम्युनिकेशन ने। वो आपकी तरह से आवाज भी निकाल के कोशिश करते हैं और वो सारा आपकी वॉइस मैटर करती है कि आप उनको एनकरेज कैसे करते हैं, और अगर कभी उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको डील कैसे करते हैं कि उसकी इंसल्ट फील ना हो। नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है कि टीचर को टीचर बच्चे को बुलाएंगे जहां उसके साथ जो करनी है उसको स्नब करना है या शटअप कॉल देनी है। अब क्या है कि इस पूरी क्लास के सामने जब बच्चा जहां आया और आपने उसको डांटपट की, उसकी भी तो एक सेल्फ स्टीम है ना, सिर्फ फर्क इतना है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जब पूरी क्लास के सामने उसकी कोई क्लास लगी अब वो किस फीलिंग से उन्हीं बच्चों के साथ जाके बैठेगा जिनके सामने उसकी इंसल्ट हुई। वो कहते हैं कि अप्रिशिएट करें तो सबके सामने करें, लेकिन अगर आपने क्रिटिसाइज करना है या कुछ की सलाह करनी है तो उसके लिए फोरम पूरी क्लास नहीं है, यू कैन डील इट इंडिविजुअली। योर वॉइस मैटर्स अ लॉट, द वे यू टॉक। नंबर थ्री इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का 55% रोल क्यों है कि इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
बोले बगैर मैसेज। आप आए क्लास में, पूछेंगे टीचर वर्ष आज लड़कियां ही हैं घर से, भाई आज या तो नाश्ता नहीं किया जाएंगे, सब तो प्रॉब्लम है कर लिया ना उसने ऑब्जर्व आपकी बॉडी लैंग्वेज से। अ टीचर शुड नेवर डेमोन्स्ट्रेट एनी सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड वट एवर शी हैज इन हर लाइफ और हिज लाइफ। क्लास में कम से कम ऐसा नहीं होगा। योर बॉडी लैंग्वेज उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट डालती है। और टीचर इसी से रिलेटेड एक चीज के तीन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें। नंबर वन, हाउ डू यू लुक, दिखते कैसे हैं। देखिए कद, रंग, फिजिक अल्लाह ने जैसी दे दी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बट आउटलुक या गेटअप तो आपके इख्तियार में है ना। हाउ डू यू लुक। नंबर टू, हाउ डू यू टॉक, द वे यू कम्युनिकेट। एंड नंबर थ्री, हाउ डू यू बिहेव। अच्छा, यहां एक सवाल है कि आपने एक वर्ड सुना होगा एटीट्यूड, एक सुना होगा बिहेवियर, कोई फर्क है इसमें? ये एक ही चीज के नाम है, तो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। एटीट्यूड और बिहेवियर एक ही चीज है, ये फर्क है? फर्क है। क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल बता दें, कोई पास फेल तो नहीं है, शेयरिंग है ना। अगर नहीं सूट करता होगा तो मैं बता दूंगा आपको। रूडली बिहेव करना एटीट्यूड में कौन होगा, ठीक है। और दूसरा, ठीक है आगे चलिए। ठीक है, गुड। इधर से भी बोलिए। और एनीबॉडी एल्स? अच्छा, इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो ये मतलब बनेगा, बिहेवियर इज योर एक्सटर्नल एंड एटीट्यूड इज योर इंटरनल। आपने सुना होगा कि आपने उसका बिहेवियर देखा है, यानी नॉर्मली वो ऐसा नहीं करती, आज इस तरह से हो रहा है, इट मीन उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। सुबह आप निकलते हैं, सुबह आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए, मोबाइल गुम हो जाए, कोई और नुकसान हो जाए, तो पूरा दिन आपका कैसे गुजरता है, या किसी के साथ हॉट एक्सचेंज हो जाए। दिस इज कॉल्ड बिहेवियर, एंड बिहेवियर चेंज टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, बट एटीट्यूड विच इज योर इंटरनल इट रिमेन्स द सेम। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि फलां शख्स दिल का बुरा नहीं है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी एटीट्यूड की। एटीट्यूड इज 90% एंड बिहेवियर इज जस्ट 10%। बिहेवियर इज व्हाट अदर पीपल लुक एट एंड एटीट्यूड व्हाट यू आर एक्चुअली फ्रॉम योर इनसाइड। और एक टीचर को अच्छी तरह से पता हो कि उसका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड तो जब टीचर बन गए उसका दिल इतना बड़ा हो गया, उसकी सोच उसका विजन इतना बड़ा हो गया, वो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप कोई भी रॉन्ग वर्ड यूज करते हुए सोचेंगे नहीं बच्चे क्या कहेंगे, टीचर ने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी, टीचर ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, वो तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। लेकिन बिहेवियर, हाउ यू डील विद द सुपर हीरोज एंड हाउ यू डील विद द मीडियोकर्स एंड हाउ यू डील विद द बैक बेंचर एंड स्लो लर्नर्स and your encouragement, your motivation will make them so. फिर एक उदाहरण ये है कि most of the time we don't plan. हमने एक ही चीज दोनों तीनों सेक्शन को पढ़ानी है on the same pattern, without keeping in mind कि learners का level क्या है। देखिए मैं इस तरह से अगर पढ़ा रहा हूं तो this is called downward communication. कुछ देर के बाद लगेगा कि, लेकिन वो टीचर्स जो इस लेवल पर गए, आपका बोलना और सुनने वाले का कान, ये फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, ये कभी भी नहीं भूलेगा। वो टीचर बाद का जो बच्चों के डेस्क पर जाकर बैठ जाती हैं, बच्चे उनके साथ कितनी एफिनिटी फील करते हैं, मदर से भी वो बातें शेयर नहीं करेंगे, जॉब से कर लेंगे, एफिनिटी डेवलप होगी ना। आपका बोलना उसका सुनना ये फ्रीक्वेंसी सेम, ये ज्यादा क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्टिव और इन्फ्लुएंसिव होगा बच्चे के ऊपर, रिसेप्टिव ज्यादा हो जाएगा आपका लेक्चर, अगर इन चीजों को थोड़ा सा माइंड जेन में रखें। कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे तो कम्युनिकेशन में भी अगेन तीन चीजें हैं। वन इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन, सेकेंड इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अपवर्ड की अगर हम बात करें, उसकी एक एग्जांपल ले लें कि अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं
कोई रिक्वेस्ट लिखते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट एंड जिस तरह के आप वर्ड यूज करते हैं यू आर वेरी हम्बल यू आर वेरी सबमिसिव एंड यू आर वेरी सॉफ्ट बिकॉज इट्स अपवर्ड कम्युनिकेशन जब आप एम्प्लॉय रहते हुए या सबॉर्डिनेट रहते हुए अपने हायर अप्स को एड्रेस करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी है व्हेन यू आर अ बॉस यू टॉक टू योर सबॉर्डिनेट्स यू टॉक टू योर जूनियर्स एंड यू टॉक टू योर एम्प्लॉयज यू आर बीइंग एडवाइज यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर क्लोजिंग बिजनेस आर आपका स्टाइल लिटिल बिट अथॉरिटेटिव होता है आपके वर्ड्स भी और होते हैं एंड व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स योर बरीज Hi, hello, what about the lunch? How is your family? How is life around you? आपका style एक bit फ्रेंड होता है तो upward communication में downward communication में horizontal communication में आपके words, आपकी tone, आपकी body language सबकी सब involved होती है then you become a good communicator and you can leave a very positive impact on the mind of your students. Am I right? These were the basic things which every teacher should come to know. Session ko to hum kafi prolong kar sakte hain pura din bhi shayad iske liye kam ho but I would make it convert towards the things you face while teaching to your students. Aap takriban elementary and secondary and primary section sabko padhane wale teachers hain. So for the last 29 years I'm in the profession of teaching, training and administration. I have trained more than 10,000 teachers in different platforms, British councils, and more than 1,000 the principals and the administrators, the PDOs whom we have trained so far. So whatever I have learned from them, I have delivered lecture to them, whatever I have learned from them. So I want to inculcate all in your minds. So, ये कैसे मुमकिन होगा कि ऑल द टाइम आई रिमेन एक्टिव एंड यू रिमेन पैसिव सो ये इंटरएक्टिव नहीं होगा सो आई वुड लाइक कि इफ यू पीपल पुट योर क्वेश्चंस व्हाट यू फील डिफिकल्टी और विच यू फील मोर इम्प्रूवमेंट इन इट सो कीपिंग माय एक्सपोजर इन माइंड आई विल ट्राई टू शेयर विद यू एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इफ यू पीपल और एवरीबॉडी शुड आस्क मिनिमम वन क्वेश्चन ईच कम अज कम इतना तो जरूर मोर देन वन will be entertained and appreciated but minimum one it should be hum to isko segment wise kare to shayad ek din iske liye bahut kam pad jaye ki kiske cheez mein kaun kaun se contents hain aur uske hame karna kaise hai so if you people start asking usse pehle ek choti si agar hum ek activity kar rahe hain choti si aur uske liye hame log chahiye 1 2 3 aur 4 aur idhar se 4 log wo jinke paas likhne ke liye kuch hai 1 2 aapke paas hai mam 3 aur aapke paas bhi hai 4 bas ye 4 log chahiye अब बड़ी मजे की चीज है इसको ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आप चार लोग आप नहीं अभी ये चार लोग क्या करेंगे आप एक सेंटेंस लिखेंगे और सेंटेंस ऐसा लिखना भी हाफ है पूरा नहीं लिखना और वो भी इंटरेस्टिंग किस्म का और ये सेंटेंस शुरू हो अपना अपना लिखना है ये सेंटेंस शुरू होगा अगर से मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे अगर मैं पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म होती बस इतना सा कुछ भी दिलचस्प किस्म का लिख लें आप अपना लिख लें आप अपना रहो अगर से शुरू हो पूरा नहीं लिखना दिलचस्प किस्म का हो जिसको ऊपर आप शरारती टाइप का सेंटेंस कहते हैं अच्छा आप लोग क्या लिखेंगे आप कोई ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जो शुरू ही तो से होना है तो आज मुल्क में लोड शेडिंग ना होती तो आज हालात ये ना वगैरह वगैरह लिखें जरा छोटा सा लिखना है और 30 सेकंड में लिख लेना है जो माइंड में इस वक्त कोई इंटरेस्टिंग सी बात आ गई जल्दी से लिख लीजिए पूछने की जरूरत नहीं है प्रेजेंट के मुताबिक लिखना है